एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल भावना सौरभ ऑफिशियल। और अभी आज जो डेट है, आज है 30th of October। तो अभी एक दो दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। कल हम थोड़ा कहीं बाहर गए हुए थे और कल थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी। कल हम किसी काम से गए हुए थे चांदनी चौक, कुछ लेना था हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो ड्राई फ्रूट्स मार्केट गए थे हम। तो वहाँ से मैं अपनी मम्मी के घर गई थी, तो कुछ शूट ही नहीं हो पाया था क्योंकि उसके बाद ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत सी ख़राब हो गई थी। मतलब बहुत घबराहट सी हो रही थी, मैंने कुछ नहीं बनाया कल। तो फिर बस घर आके मैं सो गई थी। रात को हम आए थे 9 बजे करीब आए थे। और बस अभी मैंने सुबह मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है, काम मेरा ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि परसों करवा चौथ है, तो अब बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ क्योंकि दिन है सिर्फ आज का और कल का, दो दिन है। तो आज मैंने बहुत सारे काम अपने निपटाने हैं। आज मैंने सबसे पहले अभी अपना फेशियल करवाना है। तो अभी मम्मी कहीं गई हैं किसी काम से, तो फिर वो आ जाती हैं। तो फिर शाम को मैंने वैक्सिंग कराने भी जाना है, थ्रेडिंग अपर लिप्स भी बनवाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेहंदी मैं इस बार नहीं लगवा सकती हूँ, तो आप जानते हैं, क्योंकि मेरा लास्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है बस एक दो दिन में, तो मैं मेहंदी भी नहीं लगवा सकती हूँ। तो बस ये है गाइज, अभी देखते हैं, परसों मैंने फास्ट रखना है। तो जो और मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको कल रिवील करूँगी कि मैं कौन सी अपनी ड्रेस पहनने वाली हूँ, क्योंकि मैंने दो ड्रेसेस डिसाइड करी हैं। तो मैं आपको दोनों ड्रेसेस दिखाऊंगी अपनी, कि मॉर्निंग में क्या पहन रही हूँ और आफ्टरनून में क्या पहन रही हूँ और नाइट में क्या पहन रही हूँ। तो मैं तीनों ड्रेसेस आपके साथ शेयर करती हूँ गाइस करवा चौथ के लिए। और अभी आज शाम को फिर मैंने मार्केट भी जाना है क्योंकि थोड़ी शॉपिंग करनी है, थोड़ा कुछ रह गया है सामान जो मुझे लेकर आना है अपने लिए। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना, मेरे को ब्लीच और फेशियल करना है क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। तो मैंने कहा अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ पूरे काम से, तो मैं पहले अपना फेशियल कर लेती हूँ, क्योंकि दो दिन पहले फेशियल करते हैं तभी थोड़ा फेस पे ग्लो आता है। तो मैं अब करने जा रही हूँ फेशियल अपना, और फिर शाम को जाते हैं हम अपना मार्केट। तो दिखाते हैं, आपसे मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। और ये मैं खा रही हूँ इस टाइम पे अनार, क्योंकि मम्मी अनार छील के गई हैं कि अनार खा लियो। अभी मैंने दो बनाना अपने खा लिए हैं सुबह के मॉर्निंग के। अभी ये बस मैंने अनार खाना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मैं खाऊंगी दिन में खाना, वही 2-3 बजे करीब। आप भी खा सकते हैं। गाइस मैं करने जा रही हूँ अपनी ब्लीच खोल रही हूँ, फिर इसके बाद लगाऊंगी। अपनी अप्लाई कर ली है फेस पे, अब बस 15 मिनट्स बाद इसको मैं हटा दूंगी, फिर फेशियल स्टार्ट करूंगी। और मेरी ब्लीच हो गई है डन, फेस धो लिया मैंने, अब मैं करने जा रही हूँ अपना फेशियल। ये है मेरा फेशियल जो मैंने आपको बताया था केसर वाला, मैं हमेशा यही करती हूँ, केसर गोल्ड का है ये, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। फेशियल कर लिया है और लास्ट पैक लगाया हुआ है मैंने फेस पैक, अब बस इसको धो दूंगी मैं जब ये सूख जाएगा, और उसके बाद बस मेरे को नहाना है, बस मेरा नहाना रह गया, उसके बाद मेरे को खाना भी खाना है। फाइनली गाइस, और मैंने अपना फेशियल भी कंप्लीट कर लिया है, ब्लीच भी हो गई है और मैं नहा के रेडी भी हो चुकी हूँ। और अब बस मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए नीचे, फिर मिलते हैं आपसे। क्या खाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ फिर।
दाल मखनी, चावल, गुलाब जामुन मैंने लेके रखा हुआ है, पता भी है। खाने जा रही हूँ, खाना। मम्मी का कॉल आ गया कि थोड़ी देर में वो निकलने वाली हैं, फिर मेरे को यहाँ से भी निकलना पड़ेगा वैक्सिंग वगैरह कराने के लिए, तो मैं जाऊँगी बस थोड़ी देर में निकलूँगी। तो मम्मी अपना स्टार्ट हो गई है टैबलेट लेके, चाय आ चुकी है शाम की। अभी हमने जाना है थोड़ा बाहर, अपने लिए बैंगल्स कितनी प्यारी लग रही है, ये है मर्जेंटा कलर की, मेरा सूट है एक जो मैं पहनूंगी सुबह सुबह मॉर्निंग में नहा धो के, उसके साथ का मेरा सूट है उसमें मर्जेंटा कलर भी है, तो एक ये मतलब मैचिंग का मैंने लिया है। ये बीबी क्रीम पॉन्ड्स की, मेरे को जो मैं क्रीम लगाती हूँ वो यहाँ पे नहीं मिली है, वो मेरे उधर ही मिलती है, तो कल मैं लाना भूल गई थी, तो मैं ये लेकर आई हूँ और एक नेल पेंट लेकर आई हूँ। मैंने फाइनली सारी चीज़ें मेरी हो गई है कंप्लीट, मैंने वैक्सिंग भी करा लिया, थ्रेडिंग, अपर लिप्स वगैरह सब, पार्लर गई थी वो भी हो गया, मतलब आज मैंने सारा काम अपना निपटा लिया, कल के लिए मैंने कुछ नहीं बचाया, कल बस नेल पेंट वगैरह लगानी है अब, तो कल वो करेंगे। और कल मैं आपको सारी ड्रेसेस दिखाऊंगी, मैं 3 ड्रेसेस पहनूंगी, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे कल। आज तो बस थोड़ा बहुत शॉपिंग करने गए थे और बस फेशियल किया था, वैक्सिंग वगैरह करवाई थी, बस छोटा मोटा काम निपटाया था आज, मतलब करवा चौथ की मतलब पूरी आज तैयारियां हो चुकी है मेरी कंप्लीट फाइनली। और सौरभ को बोला है मैंने, आप मेरे को ना करवा चौथ पर गजरा ला के देना, तो सौरभ ला के देंगे कह रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि शाम को मैं मतलब साड़ी पहनूंगी रात के टाइम, मेरे पास है बहुत प्यारी साड़ी, तो मैं वो पहनूंगी, तो उसके ऊपर मैंने ना गजरा लगाना है बालों में, तो बहुत अच्छा लगता है वो। और जो हमने आज खाया है ना, वो दाल मखनी विद चावल खाए हैं और प्लस रायता खाया है, मज़ा आ गया आज खाना खा के। अभी फिर गाइज इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, तो कल फिर आप, कल मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज मेरे चैनल को, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें। भी कोई देख रहा है, मैं उन सबको बोल रही हूँ कि आप मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो, आप वीडियो तो देख लेते हो, क्योंकि बहुत व्यूअर्स होते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, सिर्फ देख के उसको छोड़ देते हैं, तो लाइक ज़रूर करना।